हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आज के एक न्यू इंटरेस्टिंग और अपडेटेड वीडियो में आपका स्वागत है। सो गाइस, मेरा नाम है शोएब और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शोएब स्टाइल ब्लॉग। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इंडियाज मोस्ट पॉपुलर और डिमांडिंग बाइक के बारे में, जो कि रहने वाली है एक बजाज पल्सर NS200 और एक रहने वाली है यामा MT15 वर्जन 2.0। तो गाइस, इनके आज हम कंपेरिजन करने वाले हैं कि इस बाइक के आपको क्या, इन दोनों बाइक का आपको क्या क्या प्राइस देखने को मिलेंगे और दोनों ही बाइक में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, जो कि मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, जो भी NS200 लवर हैं और ये जो भी MT15 लवर हैं, उनके लिए वीडियो होने वाली काफी इंटरेस्टिंग। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखें। तो गाइस, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो गाइस, बात कर लेते हैं हम सबसे पहले NS200 के बारे में, जो भी रहने वाली है बजाज पल्सर की तरफ से। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लें इस बाइक के इंजन की। 199 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको 6 गियर स्पीड बॉक्स के साथ देखने को मिलेगा। और बात कर लें इस बाइक के इंजन की पावर की, तो गाइस इस बाइक में आपको 24.HP विद 9750 RPM के साथ इस बाइक में आपको पावर देखने को मिलेगी। और टॉर्क की बात कर लें तो इस बाइक में आपको 18.5 Nm विद 8000 RPM के साथ इस बाइक में आपको टॉर्क देखने को मिल जाएगा। और वहीं हम बात कर लें MT15 वर्जन 2.0 के बारे में, तो कहीं उस बाइक में आपको YAM-R15 V4 वाला सेम इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको YAM-R15 के इंजन में आपको पावर देखने को मिलती है और टॉर्क देखने को मिलता है, वही आपको MT15 वर्जन 2.0 के अंदर देखने को मिलेगा। बात कर लें इस बाइक के कंफर्ट फीचर के बारे में, तो इस बाइक में आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट, पिलियन फुटरेस्ट और स्टेप अब सीट स्प्लिट सीट देखने को मिलेगी। और वहीं हम बात कर लें यामा MT15 वर्जन 2.0 के बारे में, तो उस बाइक में आपको सेम सीट और स्प्लिट सीट देखने को मिलेगी, जो कि आपको पिछली वाली यामा MT15 वर्जन 2.0 में देखने को मिली थी। लेकिन गाइस, यामा MT15 के वर्जन 2.0 में आपको थोड़ा लुक और डिजाइन और कलर ऑप्शंस में चेंजेस देखने को मिल जाएंगे और उसकी बिल्ड क्वालिटी में भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, और बात कर लें हम NS200 की लाइटिंग के बारे में, तो इस बाइक में जो टेल लाइट देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको LED। और बात कर लें इस बाइक की हेडलाइट के बारे में, तो इस बाइक में आपको हैलोजन हेडलाइट देखने को मिलेगी। और वहीं हम बात कर लें MT15 वर्जन 2.0 के बारे में, तो उस बाइक में आपको सारी की सारी LED लाइट देखने को मिलेंगी, उसके इंडिकेटर, उसकी टेल लाइट, सारी की सारी उस बाइक में आपको LED लाइट देखने को मिलेंगी, जो कि आपको YAM-R15 V4 में देखने को मिलती है। बात कर लें हम इस बाइक के कंसोल मीटर के बारे में, तो इस बाइक में आपको फुल्ली डिजिटल कंसोल मीटर देखने को मिलेगा, जो कि और वहीं हम बात कर लें MT15 वर्जन 2.0 के कंसोल मीटर के बारे में, तो इस बाइक में आपको फुल्ली डिजिटल कंसोल मीटर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ में उसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन मिलेगा, जो कि आपको YAM-R15 में देखने को मिलता है। और गाइस, अब हम बात कर लेते हैं इस बाइक के सस्पेंशन के बारे में, तो इस बाइक में आपको फ्रंट साइड में टेलीस्कोपिक विद एंटी फ्रिक्शन बूस्ट सस्पेंशन देखने को मिलेंगे और इस बाइक में आपको रियर पार्ट में नाइट्रॉक्स मोनोशॉक ऑब्जर्वर सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे। और वहीं हम बात कर लें MT15 वर्जन 2.0 के बारे में, तो उस बाइक में आपको USD सस्पेंशन देखने को मिलेंगे, जो कि आपको YAM-R15 V4 में देखने को मिले थे गोल्डन कलर के। और उस बाइक के रियर पार्ट में आपको मोनोशॉक ऑब्जर्वर देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात रहने वाली है। लेकिन गाइस, यहीं हम बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में, तो उस बाइक में आपको मतलब NS2 के जो प्राइस आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे आपको 1,36,000 के अप्रॉक्सीमेटली इस बाइक के एक्सोरूम प्राइस देखने को मिल जाएंगे आपको इंडियन टूलर मार्केट में। और गाइस, इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलेंगे। वहीं हम यामा MT15 के प्राइस और ब्रेक के बारे में बात करें, तो उस बाइक के प्राइस आपको देखने को मिलेंगे इंडियन टूरर मार्केट में वो मिलेंगे 160 लाख से लेकर 170 लाख तक, जो कि आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाएंगे। और उस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलेंगे, जो कि इस बाइक से थोड़ा नेक्स्ट लेवल ऊपर लेवल पर पहुंच जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात रहने वाली है। ओके फ्रेंड्स, तो यही कंपैरिजन था इन दोनों बाइकों में, जो कि मैंने आपको बता दिया। और गाइज, अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और गाइज, मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक अपडेटेड और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।